एक्सरसाइज 1.2 देखिए। सबसे पहला बता रखा है सक्सीडिंग कंजेक्टिव नंबर सक्सीडिंग 7259, इसका सक्सेसिव नंबर बताने हैं 3 कंजेक्टिव सक्सेसिव नंबर, ठीक है। तो सक्सेसिव क्या होता है, इसमें एक जोड़ दो, फिर जो आए जैसे इसमें एक जोड़ा कितना आया 7260, फिर इसमें फिर वन जोड़ दिया 7261, फिर इसमें वन जोड़ दिया 7262, ये नंबर और ये नंबर, 3 सक्सेसिव नंबर हो गए। अब 3 और कंजेक्टिव लगातार, ठीक है, कंजेक्टिव भी हो गए और सक्सेसिव हुए, सक्सेसिव मतलब उससे अगले वाले। और अगर मैं इसी का प्रेसीडिंग नंबर पूछूं तो प्रेसीडिंग में एक घटाओ 7258, फिर एक घटाओ 7257, फिर एक घटाओ तो 7256, ये 3 नंबर जो हैं इसके प्रेसीडिंग नंबर आ गए जो कि कंजेक्टिव हैं। कंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव बोल लो, लगातार जो नंबर होते हैं। तो लगातार में सक्सेसिव आगे वाले और प्रेसीडिंग पीछे वाले, समझ में आया। तो ये 2 क्वेश्चन तो शुरू में ये हैं, उसके बाद क्या पूछता है तीसरे सवाल में, ये फर्स्ट के 2 पार्ट थे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में राइट डाउन ओड नंबर्स बिटवीन 151 एंड 168, इनके बीच में आपको ओड नंबर बताने हैं, ओड नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता। मैं एक बता देता हूं आपको, इससे अगला 153 आया, अब आपको 168 से पहले के सारे निकालने हैं, ओके। तीसरा सवाल देखो, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये समझ लो, जैसे 2, 7, 9 और ये हो 1, 0, अब इनको असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये इसका आंसर आ गया, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो देखो, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या, जैसे इसी को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाता हूँ आपको क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा 9, फिर 7, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ओके। और फिर उसके बाद पूछता है कौन सा बड़ा है, तो बड़ा और छोटा का आपको पता है। अब जैसे 7 है और ये 9 है, अगर इसमें बताना बड़ा कौन सा है तो ये निशान लगेगा, जो बड़ा होता है उस साइड इसका मुंह खुला रहता है और जो छोटा होता है उस साइड मुंह बंद रहता है। अगर मैं ये छोटा बताऊं तो ये इधर लगेगा, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कौन से नंबर सवाल में, सवाल नंबर 5 के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा बड़ा है ये बताना है, ओके। छठा सवाल देखो, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट क्या होता है, अब मान लो मैं लिख दूं 529, 223, 127 और 321, इनमें सबसे छोटा कौन सा, ये आ गया, तो ये तो हो गया स्मॉलेस्ट और ये सबसे बड़ा आ गया, इसका मतलब ये हो गया आपका लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, एक ही बात है, लार्जेस्ट कह लो या ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, ओके। आया समझ में, अगला देखो, अगले में कहता है कि मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल 6 डिजिट नंबर 143507, 143507, ये है आपका सवाल नंबर 7। इस सवाल के अंदर 143507 से पूछा उसने, ठीक है। अब इसमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर बताना है, सबसे बड़ा नंबर जो, तो देखो सबसे बड़े नंबर के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले सबसे बड़ी रकम लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखूंगा 5, फिर 4, फिर
फिर 3, फिर 1, फिर 0, ये सबसे बड़ा नंबर आ गया इन 6 डिजिट से बना हुआ। ओके, 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में कहता है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ये पूछा, अब 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये सवाल नहीं समझाऊंगा। मान लो 3 डिजिट का, 3 डिजिट का मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है? तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 100, क्योंकि 3 डिजिट का है, क्योंकि इससे पहले कौन कितने डिजिट का आता है? 99, 2 डिजिट का ही है। तो 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर कितना आया? 100। और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पूछ ले, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ ले, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा? 999, ठीक है। 3 डिजिट का छोटा नंबर आ गया 100 और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आ गया हमारा 999। 9th क्वेश्चन में कहता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाओ यूजिंग डिजिट्स ओनली वंस। अब देखिए, इसका पहला सवाल है 6, 1, 7, 2, 3 और 5। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर बनाओ। तो स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखूंगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो ये आपका स्मॉलेस्ट आ जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे। ओके, ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2।